नमस्कार, मेरा नाम है केशव वाही, आईबीसी बड़ा बिजनेस। आज हम बात करेंगे आईबीसी क्या है, हर महीने आईबीसी 1 से 5 लाख कैसे कमाते हैं और आपको आईबीसी क्यों बनना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये आईबीसी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, यानी स्वतंत्र व्यापार का सलाहकार, या फिर आप अपने आप को बिजनेस का डॉक्टर भी कह सकते हैं। आईबीसी समझने से पहले हम ये समझते हैं कि डॉक्टर वेग बिंदल जी ने बड़ा बिजनेस कंपनी की शुरुआत क्यों की। देखिए, डॉक्टर वेग बिंदल जी का मिशन और विजन है कि इंडिया के जो भी बिजनेसमैन हैं, उनकी जो भी बिजनेस की प्रॉब्लम है, उनका सलूशन उनको मिले। लेकिन डॉक्टर वेग बिंदल जी हर एक बिजनेसमैन की प्रॉब्लम अकेले सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने बड़ा बिजनेस कंपनी की शुरुआत की और पूरे देश में आईबीसी बनाने शुरू की। देखिए, आईबीसी का काम होता है कि इंडिया में जो भी बिजनेसमैन है वही हमारे कस्टमर हैं, और उन्हीं बिजनेसमैन की प्रॉब्लम का सलूशन हमें देना होता है, यानी उनकी जो भी बिजनेस की समस्या है उसका समाधान आईबीसी को देना होता है। तो सोल्यूशन या समाधान क्या है, वो ये है कि डॉक्टर वेग बिंदल जी ने बड़ा बिजनेस ने प्रोडक्ट और सर्विसेज बना रखे जिसमें जो भी इंडिया के बिजनेसमैन है उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन छुपा हुआ है। तो जो भी रेलिवेंट प्रोडक्ट या सर्विस है जिससे उन बिजनेसमैन की प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनको मिल जाएगा, वो हमको उनको बताना है कि वो क्या प्रोडक्ट और सर्विस है और किस तरीके से उनके बिजनेस का सोल्यूशन उस प्रोडक्ट या सर्विस में छुपा है, उसके बेनिफिट उनको हमें बताने हैं। अब देखिए, आईबीसी का काम क्या होता है ये समझते हैं। देखिए, आईबीसी का काम होता है कि उन्हें फोन पे कस्टमर से बात करनी होती है, और हमारे कस्टमर कौन है, जो भी इंडिया के व्यापारी लोग हैं यानी बिजनेसमैन। ठीक है जी, अब आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जो आईबीसी है ना, वो आपका खुद का बिजनेस होता है, यानी आपका खुद का काम है। तो इस काम को आप दिन में 2 घंटे करें या 10 घंटे करें, वो आपके ऊपर है। आप जॉब करते हुए भी एज आईबीसी काम कर सकते हैं, आपका कोई बिजनेस है तो आप एज आईबीसी को एज साइड बिजनेस भी कर सकते हैं, आप फुल टाइम भी एज आईबीसी काम कर सकते हैं, पार्ट टाइम भी एज आईबीसी काम कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। क्यों? क्योंकि आईबीसी आपका खुद का काम है, ये आपका खुद का बिजनेस है। तो इस बात को आप क्लियरली समझ जाइए कि आईबीसी आपका खुद का बिजनेस होता है, आपका खुद का काम होता है, आप जितनी मर्जी देर चाहे दिन में इसको कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अब चलिए, हम ये भी समझ आ गया कि हमें फोन पे काम करना है, ये हमारा खुद का बिजनेस है। पर प्रोडक्ट या सर्विस क्या है जो कि सोल्यूशन है जो भी बिजनेस मैन है उनके प्रॉब्लम का, अब हम उन पर नजर डालते हैं। देखिए, डॉक्टर वेग बिंदल जी और बड़ा बिजनेस ने कुछ प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाए, वो ऐसे हैं जैसे कि एक तो है बिजनेस टू कस्टमर, दूसरे हैं बिजनेस टू बिजनेस। पहले हम डिस्कस करते हैं जो प्रोडक्ट एंड सर्विस डॉक्टर वेग बिंदल जी ने बिजनेस टू कंज्यूमर वाली कैटेगरी में बनाए। देखिए, बहुत सारे बिजनेसमैन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स कॉमन होती है। जैसे मान लीजिए कोई बिजनेसमैन कहेंगे कि मैं 1 लाख रुपए महीना कमाता हूँ तो 2 लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूँ। कुछ बिजनेसमैन कहेंगे कि मुझे ये समझना है कि मैं अपने बिजनेस की मार्केटिंग कैसे करूँ। कुछ बिजनेसमैन हो सकता है क्या कि मैं एक फ्रेंचाइजी से दूसरी फ्रेंचाइजी कैसे ओपन करूँ। कुछ बिजनेसमैन सिर्फ ये कहते हैं कि उनको बिजनेस की और लर्निंग लेनी है जिससे वो अपने बिजनेस को और एक्सपेंड कर सके, तो वो एक्सपेंड कैसे करेंगे उसकी पूरी जानकारी उनको लेनी है। तो देखिए, हमारा एक प्रोडक्ट होता है बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। इस प्रोडक्ट की खासियत यह है कि इस प्रोडक्ट में हम जिनको भी बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम के बारे में बताते हैं तो फायदा ये होता है कि एक पर्सनल बिजनेस कोच भी बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम के तहत कस्टमर को मिलता है, जो कि उनके हैंड होल्डिंग सपोर्ट करता है और उनके बिजनेस की जो भी समस्या है उनको सॉल्व करता है। तो बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम तब हम ऐसा सोल्यूशन बताते हैं बिजनेसमैन को जब वो हमें अपने बिजनेस की ऐसी कोई समस्या बताते हैं, जैसे वो कहते हैं कि मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ बिजनेस में और 2 लाख तक पहुंचना चाहता हूँ, या मैं किस तरीके से मार्केटिंग करूँ अपने बिजनेस की, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। तो इस तरीके से बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो प्रोडक्ट है वो होता है लाइफ टाइम मेंबरशिप। मान लीजिए कोई कस्टमर फोन करके कहते हैं कि मेरे को आने वाले टाइम में यानी फ्यूचर में बिजनेस करना है, लेकिन मेरे को बिजनेस की नॉलेज नहीं है, तो मैं डॉक्टर वेग बिंदल जी से बिजनेस की नॉलेज लेना चाहता हूँ और लाइफ टाइम तक उनके साथ जुड़ा रहना चाहता हूँ, उनसे सीखता रहना चाहता हूँ बिजनेस के बारे में। तो उस केस में तब हम उनको लाइफ टाइम मेंबरशिप के बारे में बताते हैं। तीसरे जो प्रोडक्ट है वो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स। इसमें क्या होता है, कभी कस्टमर कहते हैं उनकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम, जैसे उनको ये नहीं समझ आ रहा कि वो अपना वर्किंग कैपिटल को किस तरीके से मैनेज करें, या फिर उनको फंड रेज करने,
तो तब हम उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स के बारे में बता सकते हैं कि सर हमारा आउटडोर प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है जो कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा कि आप किस तरीके से फंड रेज कर सकते हैं, या सर हमारे पास वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है, आपको वो कोर्स अगर आप अवेल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि किस तरीके से आप अपनी वर्किंग कैपिटल जो आपके बिजनेस की है उसको मैनेज करें। जो हमारा चौथा प्रोडक्ट है वो होता है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। देखिए जब कोई कस्टमर हमसे ये कहता है कि वो डॉक्टर विवेक बिंदल जी के साथ काम करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं और साथ में उनको बिजनेस की लर्निंग भी चाहिए, तब हम उनको इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट यानी आईबीसी के बारे में बताते हैं। तो एक बात आप समझ लीजिए कि आईबीसी भी हमारा एक प्रोडक्ट ही है। अगर एक आईबीसी किसी कस्टमर को आईबीसी बनाता है तो उनको सिर्फ एक बार कमीशन मिलती है उन कस्टमर को आईबीसी बनाने की। उसके बाद जैसे आप एक आईबीसी हैं बड़ा बिजनेस के साथ और अपना काम कर रहे हैं, वैसे ही वो कस्टमर भी आईबीसी बन जाएंगे बड़ा बिजनेस के साथ और वो अपना खुद का काम करेंगे। तो जब भी कोई आईबीसी किसी कस्टमर को आईबीसी बनाते हैं तो उनको सिर्फ एक ही बारी कमीशन आता है बस। उसके बाद आप एज आईबीसी अपना काम करेंगे और जो कस्टमर आईबीसी बने वो बड़ा बिजनेस के साथ आईबीसी बन के खुद का अपना काम करेंगे। तो आईबीसी भी हमारा प्रोडक्ट है, ये आप अच्छे से समझ लीजिए। ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग या लोगों को जोड़ने वाला मॉडल नहीं है। अब कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं बिजनेस टू बिजनेस कैटेगरी में। जैसे कि कोई कस्टमर हो सकता है आपसे कह सकता है कि वो चाहते हैं कि डॉक्टर विवेक बिंदल जी उनके यूट्यूब की जो वीडियोस आती हैं उसमें वो उनके बिजनेस के बारे में केस स्टडी बताए कि कैसे उनका बिजनेस में अच्छे से एक्सप्लेन करें जिससे उनके बिजनेस की प्रमोशन हो। तो उस केस में हम उन कस्टमर को केस स्टडी के बारे में बता सकते हैं। व्हाइट लेबलिंग क्या होता है? व्हाइट लेबलिंग हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें हम बड़ा बिजनेस की बहुत सारे जो कंपनी या इंस्टीट्यूशन होते हैं उनसे टाई अप कराते हैं और बड़ा बिजनेस उन कंपनी या इंस्टीट्यूशन के लिए जिस तरह का भी वो बिजनेस कंटेंट मांगते हैं वो क्रिएट करके बड़ा बिजनेस कंपनी उनको देते हैं। साथ में जो एक और हमारा प्रोडक्ट है वन ऑन वन कंसल्टिंग, इसमें ये होता है कि कभी कोई कस्टमर कहते हैं कि वो डॉक्टर विवेक बिंदल जी से पर्सनली मिलना चाहते हैं और अपने बिजनेस के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं कि किस तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं, क्या वो बिजनेस की स्ट्रेटेजी बनाएं, तो तब हम उन कस्टमर को वन ऑन वन कंसल्टिंग के बारे में बताते हैं। देखिए इन सभी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में आपको जब आप आईबीसी बन जाते हैं तो आपको ट्रेनिंग मिलती है, एनएचआईटी की ट्रेनिंग मिलती है। तो उसमें डिटेल में आपको समझाया जाता है कि क्या ये प्रोडक्ट और सर्विसेज है और पूरी डिटेल में एक एक इंफॉर्मेशन इन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की आपको दी जाती है। अब देखिए बड़ा बिजनेस के पास कुछ यही प्रोडक्ट और सर्विसेज है, तो आपको क्या करना है कि कस्टमर की बिजनेस की प्रॉब्लम को समझना है और जो भी रेलेवेंट आपको सोल्यूशन लग रहा है इन प्रोडक्ट और सर्विसेज में वो आपको उन कस्टमर को रिकमेंड करना है जिसमें आपको लग रहा है कि कस्टमर की प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो इस प्रोडक्ट और सर्विस में छुपा हुआ है, वो आप उन बिजनेसमैन को बताएंगे और बेनिफिट बताएंगे कि किस तरीके से उनकी जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो इन प्रोडक्ट और सर्विस में छुपा हुआ है, कैसे उनकी वो जो प्रॉब्लम है बिजनेस की वो सॉल्व हो जाएगी और उनका बिजनेस भी बड़ा बिजनेस बनने लगेगा। अब हमें ये भी समझ में आ गया कि आईबीसी का काम है फोन पे बात करने का, कस्टमर से बात करनी है, उनकी बिजनेस की प्रॉब्लम समझनी है और सोल्यूशन उनको देना। सोल्यूशन क्या है? जो भी बड़ा बिजनेस है प्रोडक्ट और सर्विस बनाए हुए उसमें से जो मोस्ट सुटेबल प्रोडक्ट एंड सर्विस है जिससे कस्टमर की प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा वो प्रोडक्ट एंड सर्विस हमें कस्टमर को बतानी है और उसके बाद उनका बेनिफिट बताने के किस तरीके से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी जब वो ये प्रोडक्ट या सर्विस यूज करेंगे। अब ये बात तो ठीक है, अब हमें ये समझना है कि आईबीसी को कस्टमर कहाँ से मिलेगा। तो देखिए कस्टमर दो तरीके से आपको मिलता है। पहला तरीका होता है ऑफलाइन तरीका। ऑफलाइन मतलब जैसे न्यूज़पेपर, रेडियो एड्स, टीवी एड्स, मैगजीन, यहाँ पे बहुत सारे एड्स आई होती है जहाँ पे बिजनेसमैन अपने बिजनेस की प्रमोशन करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, उन बिजनेसमैन से बात कर सकते हैं, उनके नंबर भी वहाँ पे होते हैं और आप उनसे पूछ सकते हैं अगर उनकी कोई बिजनेस की प्रॉब्लम है, अगर वो आपसे डिस्कस करते हैं तो आप उनको सोल्यूशन बता सकते हैं किस तरीके से कौन सा बड़ा बिजनेस का प्रोडक्ट या सर्विस उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनको देता है और उनकी कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बट इस केस में क्या होता है कि हम कस्टमर के पास ना खुद चल के जाते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका होता है कस्टमर कैसे मिलेगा, वो होता है ऑनलाइन। ऑनलाइन में बहुत एक होता है वेबसाइट्स, जैसे कि इंडिया मार्ट, जस्ट जैसी वेबसाइट पे आप
अगर जाएंगे तो बहुत सारे बिजनेसमैन ने अपने नाम नंबर और अपने बिजनेस के बारे में बताया होता है। तो आप उन बिजनेसमैन से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं उनकी कोई बिजनेस की प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन वो ढूंढ रहे हैं, उनको मिल नहीं रहा तो, और किस तरीके से बड़ा बिजनेस के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से आप उनकी बिजनेस प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनको दे देंगे, कैसे उनकी जो जो भी परेशानी वो अपने बिजनेस में फेस कर रहे हैं, कैसे वो बड़ा बिजनेस का प्रोडक्ट एंड सर्विस यूज करके किस तरीके से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आप उनको इसका बेनिफिट समझा सकते हैं। बट इस केस में भी चाहे आप इंडिया मार्ट और जस्ट जैसे वेबसाइट पे भी जाएंगे, नंबर ढूंढेंगे बिजनेसमैन की, उनको कॉल करेंगे, पर इसमें भी आप कस्टमर के पास खुद चल के जाए। अब जो सबसे बेस्ट तरीका वो ये होता है कि कस्टमर खुद आपके पास चल के आए। वो कैसे होता है, जब हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल पर एड रन करते हैं, जो भी बड़ा बिजनेस के प्रोडक्ट एंड सर्विस है उसके बारे में हम एड रन करते हैं। जैसे मान लीजिए आईबीसी के लिए ही एड रन करते हैं, उस एड में डॉक्टर वेद बिंदा जी आईबीसी के बारे में बता रहे होंगे और नीचे आपका मोबाइल नंबर दिया गया है, तो कस्टमर डायरेक्टली आपको कॉल कर लेगा या लीड फॉर्म फिल कर देगा। तो आपके पास जितने भी कस्टमर ने वो लीड फॉर्म फिल किया होगा वो सभी कस्टमर के नाम नंबर और ईमेल आईडी आ जाएगी और आप उनको फिर खुद कॉन्टेक्ट कर लेंगे। बट इस केस में क्या होता है कि कस्टमर खुद इंटरेस्ट शो करता है, वो खुद जानना चाह रहा है आईबीसी के बारे में, इसलिए उन्होंने आपको या तो डायरेक्टली कॉल किया या लीड फॉर्म फिल किया। तो सबसे बेस्ट तरीका कस्टमर आपको कैसे मिलेगा, वो ये होता है कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एड रन करें, जैसे फेसबुक पे, गूगल पे, यूट्यूब पे आप एड रन करें, और वहां से जो हमारा कस्टमर आता है वो कस्टमर इंटरेस्टेड कस्टमर होता है और कस्टमर खुद चल के हमारे पास आता है। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे जैसे फेसबुक पे या यूट्यूब पे जो भी एड रन होती है उस एड को रन करने के लिए हमें निवेश करना पड़ता है, तो ये बात आप समझ लें। क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि कस्टमर फ्री में आता है जब हम सोशल मीडिया पे एड रन करते हैं, तो जब भी हम सोशल मीडिया पे एड रन करते हैं उसके लिए एज आईबीसी हमें उस एड पे निवेश करना पड़ता है, पैसों का निवेश करना पड़ता है। अब हमें ये भी समझ आएगा कि कस्टमर कैसे आएगा। अब हम ये समझते हैं कि आईबीसी पैसे कैसे कमाता है, कैसे हर महीने आईबीसी 1 से 5 लाख कमाता है। अब हम ये समझते हैं, अब कैसे आईबीसी 1 से 5 लाख हर महीने कमाता है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक आईबीसी हैं और आपने फेसबुक पे एड रन की, आपने एड रन की जिसमें डॉक्टर वेग बिंदा जी आईबीसी मॉडल के बारे में समझा रहे किस तरीके से आईबीसी बन के आप हर महीने 1 से 5 लाख कमा सकते हो, कैसे आप आईबीसी बन के आपको बिजनेस की लर्निंग मिलती है और आप अर्निंग कर सकते हो, इस बारे में डॉक्टर वेग बिंदा जी एड में बता रही हैं। अब वो जो एड हमने फेसबुक पे चलाई ना, उस एड में आपका मोबाइल नंबर दिया गया हुआ, यानी जो भी आईबीसी वो एड रन करते हैं ना उन आईबीसी का खुद का मोबाइल नंबर उस फेसबुक एड में दिया होता है। तो होता क्या है कि कस्टमर या तो डायरेक्टली आपको कॉल कर लेता है वो एड देख के, या फिर लीड फॉर्म फिल कर देता है और आपके पास कस्टमर का नाम और नंबर और ईमेल आईडी आ जाता है, फिर आप उन कस्टमर से खुद कांटेक्ट कर सकते हैं। बट अगेन इस केस में कस्टमर खुद आपके पास चल के आ रहे हैं, वो खुद जानना चाह रहे हैं कि आईबीसी मॉडल क्या है, कैसे आईबीसी बन के आप पैसे कमा सकते हैं, कैसे आपके बिजनेस की लर्निंग होती है, अर्निंग होती है, कस्टमर खुद समझना चाह रहे हैं। बट यही है कि फेसबुक एड पे जब हम एड रन करते हैं तो हमें पैसों का निवेश करना पड़ता है। तो मान लीजिए आपने 5,000 रुपए की एड कैंपेन फेसबुक पे रन किया, यानी आपने 5,000 रुपए का फेसबुक की एड में निवेश किया जो भी हम आईबीसी की चला रहे हैं, ठीक है जी, जिसमें आपका मोबाइल नंबर नीचे दिया गया है। अब मान लीजिए जब वो आपने एड कैंपेन रन किया तो आप लगा लीजिए लगभग 100 कस्टमर ने आपसे कॉन्टेक्ट किया या लीड फॉर्म फिल किया, यानी आपने 5,000 का फेसबुक की एड में निवेश किया और 100 कस्टमर आपको मिले, यानी एक कस्टमर जो आपको मिला उसकी कॉस्ट आपको 50 रुपए का निवेश आपको करना पड़ा, तब जाके आपको एक कस्टमर मिला। अब देखिए ये जो 100 कस्टमर मिले ना, ये कस्टमर जेन्युइनली इंटरेस्टेड है आईबीसी के बारे में जानने के लिए या आईबीसी बनने। अब आप एस आईबीसी इन 100 कस्टमर से बात करेंगे, उनको आईबीसी मॉडल के बारे में समझाएंगे, जो भी वेबिनार होते हैं आईबीसी के वो आप उनको कहेंगे कि अटेंड करके, जिससे उनको अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी आईबीसी मॉडल क्या है, और फिर आप उन्हीं सभी कस्टमर से फॉलोअप भी करेंगे, ठीक है जी। अब क्या हुआ, इन 100 में से 10 कस्टमर ऐसे होंगे जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड होंगे आईबीसी बनने, जिनको हम कहते हैं हॉट लीड्स, यानी कि वो 10 कस्टमर हो सकता है इस महीने या अगले महीने या उससे अगले महीने जरूर आईबीसी बने।
मैं कहता हूं उस 10 में से अगर सिर्फ एक कस्टमर भी आईबीसी बन जाता है, आप एक कस्टमर को भी आईबीसी बना देते हैं, तो आपको उसमें 20,000 रुपए का कमीशन मिलता है एक आईबीसी बनाने। अब आपने निवेश किया था उस फेसबुक एड में 5,000 रुपए का, और अगर मिनिमम सिर्फ एक कस्टमर को भी आप आईबीसी बना देते हैं, तो आपको 20,000 रुपए मिलते हैं एक आईबीसी बनाने के एस कमीशन या इंसेंटिव, आप जो भी समझना चाहें। यानी सीधा सीधा अगर आप सिर्फ 100 कस्टमर में से एक कस्टमर को भी आईबीसी बनाते हैं, तो आपको सीधा 15,000 का प्रॉफिट होता है, क्योंकि आपने 5,000 रुपए फेसबुक की एड कैंपेन पे लगाए थे और 20,000 आपको आईबीसी बनाने पे कमीशन मिली, तो सीधा प्रॉफिट आपको 15,000 हो गया। अब आपने क्या किया, सिर्फ फोन पे कस्टमर से बात की, उनको आईबीसी मॉडल के बारे में समझाया, और अगर उनको सारी बातें समझ आ गई, अच्छे से समझ आ गया, और वो आईबीसी बन जाते हैं कस्टमर, तो सीधा आपको एक आईबीसी बनाने पे, यानी एक कस्टमर को आईबीसी बनाने पे 20,000 का कमीशन मिलता है एज पर करंट जो भी बड़ा बिजनेस के कमीशन का स्लैब है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। अब आप तो देखिए नए आईबीसी होंगे, तो इस सारी प्रोसेस में आईबीसी मैनेजर भी बड़ा बिजनेस की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपकी मदद करते हैं। वो कैसे मदद करते हैं कि जैसे आपने कहा अपने आईबीसी मैनेजर को कि मैंने इन 10 कस्टमर से बात की है और ये जेन्युइनली इंटरेस्टेड है आईबीसी बनने में, आप एक बार इन आईबीसी से इन जो भी ये अपने आईबीसी मैनेजर को बताएंगे कि जो भी वो 10 कस्टमर है वो उनसे एक बार बात कर लें और उनको आईबीसी मॉडल के बारे में और क्लैरिटी दे। आईबीसी मैनेजर क्या करेंगे, सभी 10 कस्टमर से बात करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, कॉन्फिडेंस दिलाएंगे कि बहुत सारे आईबीसी पैसा कमा रहे हैं आईबीसी बनके, तो वो कस्टमर भी आईबीसी बनके अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और वो आपकी हेल्प करेंगे कि आपकी डील क्लोज हो। यानी उन 10 में से कोई एक या दो या तीन कस्टमर तो जरूर आईबीसी बने ही बने। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप जब उन जो आपको हॉट लीड्स लगती हैं एकदम कि वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है आईबीसी बनने में जो कस्टमर्स हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उनसे बात कीजिए और साथ में उसी कॉल पे अपने आईबीसी मैनेजर को आप कनेक्ट कर लीजिए और आप उन कस्टमर की बात डायरेक्टली करा दीजिए आईबीसी मैनेजर से। तो आईबीसी मैनेजर उनको पूरी क्लैरिटी देंगे कि क्या है आईबीसी मॉडल, किस तरीके से वो यहाँ पैसे कमा सकते हैं, उनको बिजनेस की लर्निंग मिलेगी, बिजनेस की अर्निंग मिलेगी, और कैसे आईबीसी बनने का क्या फायदे हैं सब समझाएंगे। तो आईबीसी मैनेजर का काम होता है कि वो आपकी एस आईबीसी मदद करते हैं आपकी डील को क्लोज करने में, और जो भी कस्टमर आईबीसी बनेंगे उसका जो भी कमीशन होता है वो आईबीसी को ही उनके बैंक अकाउंट में आता है। आईबीसी मैनेजर सिर्फ हेल्प करते हैं आईबीसी की वो डील को क्लोज कराने में, उनकी मदद करते हैं कि जिससे वो कस्टमर फाइनली आईबीसी बन जाए, या जो भी उनके प्रॉब्लम या डाउट्स हैं उनको वो आईबीसी मैनेजर सॉल्व करते हैं। क्योंकि देखिए जब आप नए आईबीसी होते हैं तो आप एक एक चीज इतनी डिटेल में अच्छे से हो सकता है आप एक्सप्लेन कर भी, हो सकता है आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करने में थोड़ा सीखने के लिए टाइम लगे, तो इसलिए बड़ा बिजनेस आईबीसी मैनेजर आपको प्रोवाइड करते हैं कि जो भी डाउट्स हैं कस्टमर के आईबीसी मैनेजर वो सॉल्व करते हैं। अगर वो कस्टमर आईबीसी बनते हैं तो जो भी कमीशन आता है आपके एस आईबीसी बैंक अकाउंट में आपको मिलता है। आईबीसी मैनेजर का काम होता है कि वो आपकी एस आईबीसी मदद करते हैं, तो इस तरीके से आईबीसी पैसे कमाता है। तो जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया उसमें आपने 5,000 का फेसबुक एड पे निवेश किया और अगर सिर्फ एक कस्टमर भी आईबीसी बनता तो 20,000 का आपको इंसेंटिव या कमीशन मिलता है एक आईबीसी बनाने पर, यानी नेट प्रॉफिट आपका 15,000 रुपए है। और मान लीजिए अगर दो कस्टमर आईबीसी बन जाते हैं तो आपने 40,000 रुपए कमा लिए, यानी आपको उसमें 35,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और हो सकता है अगर तीन कस्टमर बन जाए तो आपने 60,000 रुपए कमा लिए जिसमें आपने सिर्फ 5,000 लगाए और आपको 55,000 का नेट प्रॉफिट हो गया। और कुछ कस्टमर होंगे जो अगले 10 से 15 दिन में जब आप बात करेंगे तो आईबीसी बन जाएंगे। कुछ कस्टमर ये भी हो सकते हैं जो 10 आपको हॉट लीड्स मिली उसमें से अगले महीने दो चार लोग आईबीसी बन जाए या उससे अगले महीने आईबीसी बन जाए, तो आपकी फॉलो अप की जो फनल है, फॉलो अप के जो कस्टमर्स हैं वो भी आपके रेडी होते जाएंगे। तो इस तरीके से आईबीसी हर महीने पैसे कमाता है। अब देखिए ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि जब एक नया आईबीसी किस तरीके से पहले महीने काम करता है उसका मैंने आपको एग्जांपल दिया। इस तरीके से हमें यहाँ पे आईबीसी में अर्निंग होती है।
इस तरीके से आप बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम की भी फेसबुक पे, यूट्यूब पे, गूगल पे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एड चला सकते हैं। और जो भी बड़ा बिजनेस के प्रोडक्ट एंड सर्विस है उनकी आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एड रन कर सकते हैं। आईबीसी की भी जैसे मैंने आपको एग्जांपल फेसबुक एड से दिया, लेकिन आप यूट्यूब पे, गूगल पे, इंस्टाग्राम पे भी आईबीसी की एड का एड कैंपेन्स रन कर सकते हैं। वो जब आप आईबीसी बनते हैं तो आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, आपको समझ आता है कि काम को किस तरीके से सही ढंग से करना है। तो इस तरीके से हर महीने आईबीसी अर्निंग करता है। तो शुरुआत में अगर आप पहले महीने आईबीसी बन के 20,000 कमा लेते हैं, यानी 15,000 का आपको प्रॉफिट होता है अगर आप 5,000 एड पे भी लगाते हैं, तो इस तरीके से धीरे धीरे करते करते हर महीने आपकी जो इनकम होती है वो बढ़ने लगती है। और इसलिए डॉक्टर वेद बिंदा जी भी कहते हैं, और मेरा भी ऐसा मानना है कि आईबीसी बन के आप हर महीने 1 से 5 लाख कमा सकते हो, मतलब कमा सकते हो अगर आप अच्छे से मेहनत करो तो। अब हम बात करेंगे आईबीसी के कमीशन स्लैब के बारे में। देखिए आईबीसी का जो कमीशन स्लैब है वो है फ्लैट 33.33%, जिसमें से 5% टीडीएस डिडक्ट होता है हमारे टोटल पे आउट पे एवरी मंथ। और सबसे अच्छी बात ये है कि बड़ा बिजनेस में हमें वीकली पे आउट मिलता है। तो ये स्पेशलिटी है बड़ा बिजनेस की कि हर हफ्ते आपको आपका पे आउट आ जाएगा, जितना भी आप बिजनेस करेंगे उस हिसाब से आपका पे आउट आ जाएगा। तो ये हमने बात की आईबीसी के कमीशन स्लैब के बारे में, जो कि हर आईबीसी के लिए सेम है 33.33%। अब देखिए आईबीसी बनने का फायदा क्या है, जब आप आईबीसी बनते हैं तो उसका क्या फायदा है। देखिए सबसे पहले तो आपको चैनल पार्टनर अलॉट किए जाते हैं। चैनल पार्टनर यानी आपको बड़ा बिजनेस की तरफ से एक ऑफिस दिया जाता है जहाँ पे जाके आप काम कर सकते हैं। तो जो भी आपकी लोकेशन से नियरेस्ट चैनल पार्टनर होते हैं वो आपको अलॉट कर दिए जाते हैं। साथ में आपको आईबीसी मैनेजर दिए जाते हैं। वो क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि जब आप नए आईबीसी होते हैं तो आपको काम समझने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आईबीसी मैनेजर हेल्प करते हैं कि आपकी जो भी डील है उनको क्लोज करें, कस्टमर के जो भी डाउट्स हैं वो उस डाउट को सॉल्व करते हैं, और जो भी कस्टमर प्रोडक्ट एंड सर्विस अवेल करना चाहते हैं वो कस्टमर, जैसे मान लीजिए आप आईबीसी बना रहे हैं तो वो कस्टमर आईबीसी बने तो आईबीसी मैनेजर उसमें आपकी हेल्प करेंगे, और जो भी कमीशन आएगा वो एज आईबीसी आपके बैंक अकाउंट में आएगा, आईबीसी मैनेजर बस आपकी मदद करेंगे। साथ में आपको NHIT की ट्रेनिंग दी जाएगी। 6 दिन की ट्रेनिंग होती है जब आप आईबीसी बनते हैं, तो आपकी 6 दिन की NHIT की ट्रेनिंग होती है, जिसको हम कहते हैं न्यू हायरिंग इंडक्शन ट्रेनिंग। ये जो ट्रेनिंग होती है ये जूम ऐप पे होती है, जूम ऐप का नाम आपने सुना ही होगा, और ऑनलाइन ये ट्रेनिंग होती है। इस ट्रेनिंग में आपको डिटेल में समझाया जाता है कि बड़ा बिजनेस क्या है, डॉक्टर वेग बिंदा जी के बारे में डिटेल में बताया जाता है, किस तरीके से आईबीसी काम करता है समझाया जाता है, बड़ा बिजनेस के जो प्रोडक्ट एंड सर्विस जो मैंने अभी आपको बताया, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, लाइफ टाइम मेंबरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज, आईबीसी, सभी प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में डिटेल में आपको समझाया जाता है, किस तरीके से आईबीसी फर्स्ट कॉल करता है, फॉलो अप कॉल करता है, सेल्स ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करते हैं, कैसे हम कस्टमर की नीड को पहचानते हैं क्योंकि जो बर्निंग प्रॉब्लम है उसको समझते हैं, किस तरीके से हम उनके बर्निंग प्रॉब्लम का रेलिवेंट सोल्यूशन उनको देते हैं, पूरी डिटेल में आपको एक एक चीज 6 दिन में सिखाई जाती है, और 6 दिन बाद आप एज आईबीसी तैयार हो जाते हो काम करने के लिए। साथ में जब आप आईबीसी बनते हैं तो बड़ा बिजनेस की तरफ से आपको रीजन मैनेजर भी मिलता है, जोनल मैनेजर भी मिलता है, रीजनल ट्रेनिंग हेड्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। रीजनल ट्रेनिंग हेड्स हर रोज हमारी हमें ट्रेनिंग देते हैं, जिससे हमारी आईबीसी स्किल इंप्रूव होती है, कि जैसे फर्स्ट कॉल कैसे करनी चाहिए, फॉलो अप कैसे करना चाहिए, सेल्स ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना चाहिए। तो हमारी हर रोज, हफ्ते में आप लगा लीजिए मिनिमम 6 दिन तो ट्रेनिंग होती है, जो कि रीजनल ट्रेनिंग हेड्स हमारी ट्रेनिंग करते हैं, जिससे एज आईबीसी हमारी स्किल इंप्रूव हो। साथ में एज आईबीसी आपको बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम मिलता है, जिसकी वर्थ 42,000 रुपीज है। वो इसलिए दिया जाता है जिससे हमारी जो बिजनेस के फंडामेंटल या स्ट्रॉन्ग हो, हमारी बिजनेस की लर्निंग स्ट्रॉन्ग हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज हमें दिए जाते हैं जिनकी वर्थ मोर देन 10 लाख होती है, वो भी इसलिए दिए जाते हैं कि हमारे बिजनेस की नॉलेज बढ़े, हमारे फंडामेंटल बिजनेस के इतने स्ट्रांग हो जाए कि हम आईबीसी भी सक्सेसफुली काम कर सके, और जिन कस्टमर की हम कंसल्टिंग कर रहे हैं उनके बिजनेस की प्रॉब्लम को भी हम अच्छे से समझ सके और उनको रेलिवेंट सोल्यूशन दे सके। तो अब आप ये समझिए कि जब आप आईबीसी बनते हैं तो बड़ा बिजनेस ही
कम से कम एक आईबीसी को तैयार करने के लिए 10 लाख से ज्यादा का निवेश उनपे करते हैं, इसलिए कि जिससे वो आईबीसी एक सक्सेसफुल आईबीसी बन सके, एक सक्सेसफुल बिजनेस कंसल्टेंट बन सके। इसीलिए बड़ा बिजनेस इतना बड़ा निवेश एक आईबीसी पे करते हैं। अब देखिए, ये सारी बात तो हमने की एक अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे आईबीसी बन के आप बड़ा बिजनेस में के साथ काम करके पैसे कमा सकते हैं। अब हम बात करते हैं लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको आईबीसी क्यों बनना चाहिए, क्यों बड़ा बिजनेस के साथ आपको जुड़ना चाहिए। देखिए, हमारी जो ताकत है ना, वो ताकत है हमारे बिलियनियर प्रोफेसर, जैसे ओयो के रितेश अग्रवाल जी, अमूल के आर एस सोधी जी, आचार्य बाल कृष्ण जी है पतंजलि से, डॉक्टर वेद बिंदा जी है, निखिल अरोड़ा जी है गो डैडी से। तो क्या है, ये सारे बिलियनियर प्रोफेसर जो है ना, उन लोगों ने खुद मेहनत करके अपनी कंपनी को आज इतनी बड़ी ग्रोथ दिलाई है, क्योंकि जो कंपनी का जो टर्नओवर है वो करोड़ों में है आज, राइट। तो जब इतने बिलियनियर प्रोफेसर हमसे अपनी बिजनेस की जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं, बिजनेस की लर्निंग हमसे शेयर करते हैं, तो हमारी जो ऑटोमेटिकली बिजनेस की नॉलेज है वो बढ़ती है, हमारी बिजनेस की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत स्ट्रांग होती है, हमारे जो फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस है वो बहुत सॉलिड हो जाते हैं। ये ताकत है बड़ा बिजनेस की, जो कि हमारे बिलियनियर प्रोफेसर हैं। देखिए, अगर आप एमबीए करते हैं तो एमबीए करने के लिए आज लाखों रुपए लगते हैं, और उसमें भी आपको थियोरेटिकल नॉलेज मिलती है। 2 साल एमबीए करने के बाद आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए चाहे जॉब में जाते हैं या जो भी आप प्रोफेशन चूज करते हैं वो आपके ऊपर होता है। लेकिन जब आप आईबीसी बनते हैं तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि यहाँ पे आपको जो बिजनेस की लर्निंग मिलती है, लर्निंग तो मिलती है, जो आप जब पैसा कमाते हो यहाँ पे, तो वो आप प्रैक्टिकली बिजनेस के हर एक एस्पेक्ट को समझते हो आईबीसी बन के। कि जैसे मान लीजिए जब आप आईबीसी बनते हैं, राइट, तो जब आप फेसबुक ऐड पे या सोशल मीडिया की किसी ऐड कैंपेन पे जब आप उस पैसे को निवेश करते हो, तो आपको समझ आता है कि किस तरीके से मेरे को अब जो मैंने पैसा निवेश किया है इसका आउटपुट जनरेट करना है, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जनरेट करना है, राइट। सिर्फ यही नहीं कि मैंने पैसा निवेश कर दिया मुझे आउटपुट ना आए, तो उसकी जो एक अंदर से आपको एक आप में एनर्जी आएगी कि हाँ, अगर मैंने निवेश किया है फेसबुक के एड कैंपेन पे पैसा, तो मेरे को इसका आउटपुट भी लाना। तो आउटपुट के लिए जब आप मेहनत करोगे, तो जब आप मेहनत करते हो तो उस प्रोसेस में आप इतनी चीजें समझते हो कि किस तरीके से आपको कस्टमर से बात करनी है, किस तरीके से आपको फॉलोअप कॉल करनी है, किस तरीके से कस्टमर ऑब्जेक्शन करते तो कैसे ऑब्जेक्शन को हैंडल करना। तो क्या होता है, आपकी यहाँ पे ना प्रैक्टिकल आपको बिजनेस की प्रैक्टिकल बिजनेस की आपको नॉलेज मिलती है। अब देखिए, ये भी समझ आ गया कि बिजनेस की अर्निंग कैसे होती है, ये भी समझ आ गया बिजनेस की लर्निंग कैसे होती है, पर फिर भी आपको आईबीसी क्यों बनना चाहिए, और अगर आप आईबीसी बन जाते हैं तो आप सक्सेसफुल आईबीसी कैसे बनेंगे वो समझना भी जरूरी है। देखिए, अगर आप सिर्फ इस इंटेंट से आते हैं कि आपको आईबीसी इसलिए बनना है कि यहाँ पे आके आप 1 से 5 लाख हर महीने कमाओगे, तो देखिए आपकी सोच थोड़ी गलत है। आप अगर एक सक्सेसफुल आईबीसी बनना चाहते हैं, लंबे समय तक आईबीसी एज अ प्रोफेशन आप इसमें काम करना चाहते हैं, तो आपकी इंटेंशन ये होनी चाहिए कि आपको लोगों की मदद करनी है, लोगों की जो भी बिजनेस प्रॉब्लम है उसको आपको सॉल्व करना है। अगर आप इस इंटेंशन से आते हैं तो आप जरूर एक सक्सेसफुल आईबीसी बनेंगे ही बनेंगे। साथ में अगर आपका ये एम है कि आप इंडिया में और लीडर प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जो आने वाले टाइम में खुद की कंपनी स्टार्ट करें, खुद का बिजनेस स्टार्ट करें, और इंडिया का जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, तो आप ऐसे लीडर्स प्रोड्यूस करना चाहते हो तो आपको आईबीसी जरूर ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपका खुद का ये सपना है कि आप खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करें, एक कंपनी स्टार्ट करें, कंपनी को खोले, और इंडिया का जो यंग जनरेशन है उनको आप एम्प्लॉयमेंट देना, तो उसकी शुरुआत एक आईबीसी से आपको जरूर करनी चाहिए। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं खुद एक आईबीसी हूँ, मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ जो बिजनेस की लर्निंग मिल रही है, जिस तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिकली बिजनेस में हमें करने का मौका मिलता है, कस्टमर से जब हम इतने कस्टमर से बात कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली एक जो बिजनेस सेंस होती है वो ऑटोमेटिकली हमें डेवलप होने लगती है, और धीरे धीरे वो डेवलप होके एक हमें सक्सेसफुल आने वाले टाइम में बिजनेस लाइन में जरूर बनाएंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो इस कारण से आप लोगों को आईबीसी जरूर बनना चाहिए।
अब हम बात करेंगे कि आप आईबीसी किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, आईबीसी ज्वाइन करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप आईबीसी प्रो में एज आईबीसी एनरोल कर लें। आईबीसी प्रो में आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप फ्री में मिलती है, प्लस आपको कोड रिवर्सल भी मिलता है। तो आईबीसी प्रो ज्वाइन करने का जो ज्वाइनिंग फीस है वो है 74,900 प्लस जीएसटी, जो कि टोटल है 88,382 रुपीस। इसमें जब आप आईबीसी प्रो ज्वाइन करते हैं तो आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप फ्री मिलती है। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज है बड़ा बिजनेस के, मोर देन 100, वो तो आपको मिलेंगे। आने वाले टाइम में जितने और कोर्सेज होंगे वो भी आपको फ्री में मिलेंगे। बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम भी आपको मिलता है और साथ में अलादीन का चिराग भी मिलता है, और साथ में कोड रिवर्सल भी आपको मिलता है जो कि है 60,900 रुपीज का। बट ये जो कोड रिवर्सल है 60,900 रुपीज का, ये आपको विद इन 6 मंथ्स में ही वापस अपना कोड रिवर्सल को निकालना होता है। अब दूसरे तरीके से आप जो आईबीसी ज्वाइन कर सकते हैं वो है आईबीसी प्राइम। इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो होती है 36,000 प्लस जीएसटी, जो कि टोटल है 42,480 रुपीज। अब जब आप एल आईबीसी प्राइम ज्वाइन करते हैं तो आपको बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम मिलता है, साथ में 40 प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज मिलते हैं बड़ा बिजनेस की तरफ से। तो इन दो तरीकों से आप आईबीसी बन सकते हैं। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप आईबीसी जरूर बनना चाहेंगे। और अगर आपका सही में ये मिशन है कि आप इंडिया के जो भी बिजनेसमैन हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करें, या आने वाले टाइम में लीडर्स प्रोड्यूस करें जो कि खुद का बिजनेस स्टार्ट करें, या फिर आप खुद की कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं और जो इंडिया का जो यंग जनरेशन है उनको एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं, तो आपको जरूर उसकी शुरुआत आईबीसी बन के करनी चाहिए। और अगर कोई भी पुराने आईबीसी या एग्जिस्टिंग आईबीसी इस सेशन को देखते हैं, वो किसी भी तरीके की परेशानी आ रही है इस आईबीसी काम करने में, तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं उन आईबीसी की मदद कर पाऊँ। और अगर कोई नए कस्टमर इस सेशन को देख रहे हैं, आईबीसी समझना चाहते हैं कि आईबीसी क्या है, कैसे आईबीसी में हर महीने 1 से 5 लाख कमा सकते हैं, आपको आईबीसी क्यों बनना चाहिए, तो वो अगर कोई नए कस्टमर भी सेशन को देख रहे हैं तो वो भी मेरे से नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं उनकी भी मदद कर पाऊँ। तो इस सेशन में इतना ही। हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी अर्निंग। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।